अब हम पढ़ेंगे आज न्यू सेंटेंसेस। आप एंड न्यू सेंटेंसेस क्या बोलती है? अब कल हमने विभिन्न प्रकार के सिंड्रोम देखे, टर्नर, क्लिन फिल्टर्स, डाउन, एडवर्ड, पटाउ, गेट क्रैश सिंड्रोम, कई तरह की गुणसूत्री बीमारियां देखी। और ये गुणसूत्री बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता है, क्योंकि खुद कोशिका इतनी है तो गुणसूत्र जितने होंगे नहीं, कैसे क्या होगा, ठीक है। और ये जो बीमारियां हैं गुणसूत्री बीमारियां ज़्यादातर पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होती है। और यदि एबनॉर्मल शिशु जिस परिवार में जन्म लेते हैं या जिस समाज में जन्म लेते हैं, या परिवार और समाज छोड़ो, वो खुद भी तो कितना परेशान रहेगा। वो एक सामान्य बच्चे के समान जीवन जी पाएगा क्या? नहीं जी पाएगा। तो ऐसे बीमार या इस तरीके की गुणसूत्री बीमारियों से युक्त यानी बीमारियों वाले शिशु को क्या कर दिया जाता है? जन्म से पहले ही समाप्त कर दिया जाता है, ताकि न तो वो स्वयं परेशान हो, न परिवार समाज किसी को कोई दिक्कत हो। तो जन्म से पूर्व शिशु में गुणसूत्रीय अनियमितताओं का, विकृतियों का पता लगाने के लिए जो तकनीक होती है, वो तकनीक क्या कहलाती है? एमनियो सेंटेंसिस। अब इसमें क्या करते हैं, जो शिशु का विकास हो रहा है, जायगोट का विकास हो रहा है, अब वो एमनियोटिक फ्लूड में वो जायगोट दे रहा है, तो क्या करते हैं, फीमेल के यूटेरस से एक लिक्विड लिया जाता है, एमनियोटिक फ्लूड, ठीक। अब वहाँ डेवलपमेंट चल रहा है, हम एक कोशिका अलग करेंगे सीरीज की सुई की सहायता से, उस एमनियोटिक फ्लूड को बाहर निकाला जाता है, उसमें कोशिका आ जाएगी। अब एक कोशिका आई, अब सोचो उस कोशिका में हमने स्टडी कर लिया, कोशिका को हमने निकाला क्यों था, ये गुणसूत्र का जो केबीसी जोड़ी है उनमें कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ताकि जीव में कोई जन्मजात बीमारी हो तो उस शिशु को हम जन्म ही नहीं लेने दें, जन्म से पूर्व ही उसको समाप्त कर दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए। ये टेक्निक थी, लेकिन हमने क्या करा, इसका दुरुपयोग करा। ये जो एमनियोटिक फ्लूड निकाला है और वो गुणसूत्री एनालिसिस करना था कैरियोटाइप बना के, तो हमने वहाँ क्या देखा कि इसमें जो गुणसूत्र दिख रहे हैं, क्रोमोसोम दिख रहे हैं, वो दोनों एक्स एक्स हैं कि एक्स वाई हैं। तो हमको वहाँ स्टडी कैरियोटाइप बनाएंगे अपन, तो वहाँ 23वां जोड़ी दिख जाएगा कि 23वां जोड़ी एक्स एक्स है, तो विकसित हो रहा शिशु लड़की है, पुत्री है। और एक सब आय दिखा हमको, तो विकसित हो रहा शिशु क्या है, पुत्र है या लड़का है। तो हमारे भारतीय समाज में आज भी क्या है, लड़कों की चाहत होती है कि लड़का हो और लड़कियां नहीं हो, आज भी है बेटा, कई जगह है, कई परिवारों में है। तो वो क्या करते हैं कि अरे विकसित हो रहा एम्ब्रियो क्या है, लड़की है, तो उसको क्या करते हैं, टर्मिनेट करवा देते हैं, जन्म से पूर्व ही समाप्त करवा देते हैं। तो इसीलिए अपन सोनोग्राफी सेंटरों पे देखते हैं भ्रूण का लिंग परीक्षण निषेध है, नहीं किया जाता है, वो तो सब होता है, वो तो खाली लिखने का है, क्योंकि चलन ही यही चल रहा है, ठीक है। तो एम्ब्रियो सेंटेंसेस क्या होती है, कि जन्म से पूर्व विकसित हो रहे शिशु में कोई जन्मजात गुणसूत्री विकृतियाँ तो नहीं है, ये पता लगाने के लिए इस टेक्निक का आविष्कार हुआ था। फीमेल के यूटेरस से क्या करते हैं, एम्ब्रियोनिक फ्लूड और कोशिका निकाली जाती है, उसका कैरियोटाइप बनाकर स्टडी करते हैं, ताकि उसमें कोई गुणसूत्री संरचनात्मक या संख्यात्मक विकृति तो नहीं है, ठीक। दुरुपयोग ये हुआ कि वो हमने लिंग परीक्षण कराया और कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा की गई, जिसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि कई कई समाजों में आजकल लड़के ही नहीं मिलती है शादी करने के लिए। उन समाजों के नाम नहीं लूँगी मैं,
फिर वो लोग क्या करते हैं, दूसरे समाज की लड़कियां लाते हैं या जो भी मिल जाए, क्योंकि उनने क्या करा, वो ऊपरी समाज है तो उनने बहुत इसका दुरुपयोग करा, ये लड़के तो होने दिए और लड़कियों को बिल्कुल नष्ट करवा दिया, तो उसका दुष्प्रभाव उस समय नहीं देखने को मिला, अब देखने को मिल रहा है। इसलिए हम कोई भी वैसे भी कोई सामान्य कार्य भी करें तो उसका परिणाम हमको अभी नहीं भविष्य में देखने को मिलता है। तो मेल और फीमेल का रेशो क्या हुआ, इम्बेलेंस हो गया, ठीक है।